परिवारों को आदरणीय मोदी जी यहां से सम्मानित करें, उसके लिए ओम। ये आज संपूर्ण देश के लिए बहुत गौरव और गर्व का दिवस है। उन क्रांतिकारी, उन क्रांतिवीरों, उन शहीदों ने जिन्होंने अपने आप को देश के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया, वो परिवार हमारे बीच में हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शहीद भगत सिंह के परिजनों को, शहीद भगत सिंह के वंशजों की ओर से भाई श्री यादवेंद्र जी को, जो शहीद आजम भगत सिंह के परिवार से हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री साहब सम्मानित कर रहे हैं समस्त देश के 125 करोड़ लोगों की ओर से। आजादी के बाद चाहे सरकारों की ओर से शहीदों को उतना सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, लेकिन देश के 125 करोड़ लोगों ने उनको पूरा प्यार दिया। आगे मैं आमंत्रित करता हूँ भाई अनुज थापर जी, वो शहीद आजम सुखदेव जी के परिवार से हैं। भाई अनुज थापर जी, उसका अभिनंदन पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य जी, माननीय मुख्यमंत्री साहब, पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, पूज्य आचार्य स्वदेश जी महाराज, संपूर्ण देश के 125 करोड़ लोगों की ओर से उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि, बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। और आगे मैं आमंत्रित करता हूँ शहीद आजम राजगुरु जी के परिवार से भाई शांतनु राजगुरु जी को, आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिसका नाम जब युवा लेते हैं तो उनकी बाजुएं फड़कने लगती हैं, वो मातृभूमि के लिए, भारत माता के लिए कुछ करने के लिए तड़फ उठते हैं, ऐसे शहीद आजम राजगुरु के परिवार से भाई शांतनु राजगुरु जी का अभिनंदन कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य जी। और आगे मैं भाई सुजीत आजाद जी को, पंडित सुजीत आजाद जी को आमंत्रित करता हूं, जो शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार से हैं, उनका अभिनंदन पूज्य स्वामी जी महाराज, श्रद्धे आचार्य जी, माननीय सीएम साहब संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भाई सुजीत आजाद जी, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के परिवार से, उनके वंशज जिन्होंने अपना जीवन, अपनी जवानी मातृभूमि के नाम कुर्बान कर दी, मातृभूमि के नाम समर्पित कर दी। और हमारे बीच में इसी रामलीला मैदान में बहन राजबाला जी, जिसने अपनी शहादत दी देशवासियों को काले धन और भ्रष्टाचार के प्रति जगाते हुए, उनके परिवार से बहन राकेश कौर जी उपस्थित हैं, उनकी पुत्र वधु। मैं चाहूंगा संपूर्ण देशवासियों की ओर से माननीय सीएम साहब 125 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय बहन राकेश कौर जी का अभिनंदन करेंगे। ऐसी हमारी आदरणीय शहीद बहन राजबाला जी, जिन्होंने भारत स्वाभिमान के इस आंदोलन के लिए, काले धन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए अपनी शहादत दी। और आज हम इस मंच की ओर से अमर शहीद राजीव दीक्षित जी को भी नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करते करते जिन्होंने अपनी शहादत दी।